नमस्कार दोस्तों, जॉब सर्च के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एनटीपीसी ने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग शेड्यूल निकाल दिया है, उसके लिए एक नोटिस निकाला है जिसपे 5 पॉइंट है। उसी पेज पे हम लोग हैं दोस्तों। एक एक करके मैं आपको सभी पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं, लिखा है फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी विल बी हेल्ड इन सम मल्टीपल फेजेस इन ऑर्डर टू एनश्योर एडियरेंस टू ऑल कोविड-19 गाइडलाइन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्रोक्स 1.25 करोड़। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन इज शेड्यूल फॉर द 23 लाख कैंडिडेट्स टू बी हेल्ड फ्रॉम 28 दिसंबर टू 13 जनवरी इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। द रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शेड्यूल सब्सिक्वेंट फेजेस एंड इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड के वजह से 1.25 करोड़ कैंडिडेट के अंदर सिर्फ 23 लाख कैंडिडेट का फर्स्ट फेज जो 28 दिसंबर से 13 जनवरी के अंदर होगा, सबको अकॉर्डिंगली एग्जाम सिटी सेंटर सबको दिया जाएगा, बाकी का बाद के फेज में होगा। दूसरे पॉइंट पर देखा हुआ है कि द लिंक फॉर द व्यूइंग एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ट्रैवलिंग अथॉरिटी SC ST विल बी मेड अवेलेबल वेबसाइट 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। इस पर लिखा है एग्जाम सिटी डेट और ट्रैवलिंग पास SC ST के लिए वो मिलेगा 10 दिन पहले एग्जाम शुरू होने के, और डाउनलोड इक्वल लेटर विल स्टार्ट 4 डेज प्रियोर ऑफ द एग्जाम, और कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू होगा 4 दिन पहले एग्जाम डेट के। 3 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु इज नॉट शेड्यूल्ड फेस, मतलब जिन लोगों का उस फेज पे नहीं है उस पर लिखा होगा डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज वेट फॉर इंडिविडेट फॉर अदर फेज। तो वह लिखा होगा कि आपका इस फेज पे नहीं है, इस फेज के बाद आप वेबसाइट चेक कीजिएगा, उसमें आपका होगा। फोर्थ पे लिखा है अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए तो आप वहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। 5 नंबर पर लिखा हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाय दी अनऑथराइज सोर्सेस। यहाँ पर लिखा है बहुत सारे फेक्स वेबसाइट है, तो आप उनसे डिटेल्स लेके दिख प्रेस नहीं होगे, आप सिर्फ RRB का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आएगा उसी पर आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।